व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप मस्ती होंगे यार। सो फाइनली एक बार फिर से आपका अपने भाई के यूट्यूब चैनल रवि गेमर ऑफिशियल में स्वागत है। तो यार आज फाइनली मैं दोबारा खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग एक अपना खुद का पर्सनल यार कैरेक्टर कैसे बना सकते हो माइनक्राफ्ट में। ओके, तो आज मैं बनाने वाला हूँ एंड आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने कैसे बनाया है, जो कि यार काफ़ी गजब का है। एंड आप लोग को भी बताऊँगा कैसे बना सकते हो। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले वीडियो को यार लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर देना। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड ईजिली ही प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं आप लोग को बता दूंगा वो एप्लीकेशन कौन सा है। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर देना एंड इस वीडियो को यार शेयर ज़रूर करना। ओके, इस वीडियो को यार वायरल करा दो। ओके, तो यार फाइनली आप लोग ये देख लीजिए प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है, जिसका नाम है स्किन एडिटर 3D फॉर माइनक्राफ्ट। ओके, तो फाइनली मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ अपने फ़ोन से। ये देखिए इसका लोगो कुछ इस प्रकार से 3D लिखे हुए, तो इसे मैं फाइनली ओपन कर लेता हूँ। तो यार ओपन होने के बाद कुछ आप लोग को इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। तो आप यहाँ पर ये रोटेट वाला ऑप्शन जिस पर मेरा रेड क्लिक है आप देख सकते हो, इस पर क्लिक करके आप इसे चारों तरफ से रोटेट कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको कलर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए आप इससे कोई भी कलर लेकर अपने स्किन को बना सकते हो। तो फाइनली मैं अपनी स्किन को गोरा करना चाहता हूँ, तो फाइनली मैं ये वाला कलर यूज कर लेता हूँ। इसके बाद आपको उस कलर को फाइनली चूज कर लेना होगा। चूज करने के बाद पेंसिल के आइकन पर फाइनली आप लोग को क्लिक कर देना होगा। तो ये पेंसिल का आइकन है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड इसके बाद फटाफट से मैं अपना सारा स्किन गोरा कर लेता हूँ, फिर इसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ। तो फाइनली ये देख सकते हो मैंने अपना स्किन गोरख कर ली है। तो फाइनली आपको यहाँ पर एक ये मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद इस राइट वाले को क्लिक करके इधर से देख लेना है, सब कुछ ऐसे देख लेना है। ओके, आप लोग को जिधर से भी प्रॉब्लम आए आप इसे हटाकर आप देख सकते हैं, जहाँ पर स्किन नज़र आए उसे आप लोग को मतलब गोरख कर लेना है। इसके बाद मैं अपने इस कैरेक्टर को भाई क्लॉथ पहनाता हूँ। ओके, तो उसके लिए मैं एक दूसरा कलर चूज कर लेता हूँ, उसके लिए मैं येलो कलर चूज करता हूँ। इसके बाद मुझे जो जो क्लॉथ इसका शर्ट बनाना है भाई, मैं इसे पूरे येलो से पेंट देता हूँ फटाफट से। आप लोग देखते रहिए एंड वीडियो को लाइक करते रहिए यार, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं भाई वीडियो को फास्ट एंड स्किप करके बना रहा हूँ। ओके, तो आप लोग मैनेज कर लेना एंड फटाफट से मैं इसे सब कुछ पेंट कर लेता हूँ, इसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ। तो यार ये देख लीजिए फाइनली मैंने इसे कलर कर दिया है एंड इसके बाद फिर से आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद इस हैंड को रेड करके ओके कर देना है। इसके बाद इसे भी आप लोग को पूरा येलो कर लेना है इस साइड भी। ओके, तो मैं फटाफट से इसे भी कर लेता हूँ। तो यार फाइनली मैंने इसे भी कंप्लीट कर लिया एंड इसके बाद इस पर क्लिक करके फिर से उसी पर क्लिक करके इस वाले हैंड को भी हम रेड करके ओके कर देते हैं एंड इधर भी हम फटाफट से कलर कर लेते हैं। तो यार ये भी कंप्लीट हो चुका है एंड फिर से उस वाले मतलब ये जो आदमी वाला आइकन है इस पर क्लिक करके हम इसके इन सब को इनेबल करके सिर को हटा देते हैं। इसके बाद ये देखिए आपको यहाँ पर फाइनली इसे भी जो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है इसे भी थोड़ा एक लाइन जो है इसे आपको अपने शर्ट कलर कर लेना है एंड इसके बाद इस ये जो आप दिख रहा है हल्का ब्लैक इसे भाई स्किन कलर दे देना है। तो फाइनली आपको कलर वाले ऑप्शन में जाकर स्किन वाला मतलब ये वाला कलर चूज करके इसके बाद पेंसिल पर क्लिक करके फिर से आपको इसे सब कुछ पेंट कर लेना है। इसके बाद हो जाने के बाद आपको फिर उस आदमी वाले आइकन पर क्लिक करके इसका सिर भाई इनेबल कर देना है। तो मैं फटाफट से कर देता हूँ ओके। तो ये फाइनली हो चुका है एंड इसके बाद आपको इसकी पैंट जो भाई पैंट होती है आप इसे भी जिस कलर में चाहे कर सकते हैं। तो फाइनली मैं इसे ब्लू करना चाहता हूँ। तो आप लोग भी अपना कुछ अलग और यूनिक बनाने की कोशिश करना। तो फाइनली मैं फटाफट से इस यहाँ से मोर कलर पर जाने के बाद इसे ब्लू कलर चूज कर लियो। इसके बाद यहाँ से मैं फटाफट से सब कुछ ब्लू ब्लू इसकी पेंट जो है भाई कर देता हूँ। ओके, तो फटाफट से
तो फाली यार मैंने इसे कुछ इस प्रकार से डिजाइन दे रखा है। इसके बाद इसके पेट को भाई हटा देना है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपको कलर दिख रहा है, जो स्किन कलर है भाई, उसे स्किन कर देना है। एंड जो आपका ये क्या कहते हैं भाई दिख रहा है, क्या कहते हैं इसे, आपका शर्ट है, इसे शर्ट कलर कर देना। तो यहाँ से मैं फटाफट से शर्ट कलर सब कुछ पहले जैसा कर देता हूँ, जैसा जैसा है। ओके या तो खाली मैंने सब कुछ कर दिया। एंड इसके बाद इसका बॉर्डर जो है भाई, मैं कुछ अलग डिजाइन कर रहा हूँ, तो ऐसे फटाफट से मैं इसे भी बना लेता हूँ। तो यार फाइनली लगभग मैंने इसे भी बना लिया है। एंड इस वाले आदमी वाले आइकन पर क्लिक करके इसे भी इनेबल कर देता हूँ। एंड ये देखिए का, इसके बाद पैर इधर ब्लू कर देना है। जो टी शर्ट कलर है आप चाहे तो टी शर्ट कलर कर सकते हो। एंड फाइनली ब्लू जो भी आपका इच्छा हो, जैसे भी करना हो, इसे भी आप लोग कर देना। वरना जब भाई ये कैरेक्टर यानी टहलेगा तो भाई इस प्रकार कुछ अलग दिखे जाओगे। तो इसे आप लोग फाइनली सेट कर लेना। तो इसे मैं फटाफट से सब कुछ ब्लू कर देता हूँ। ओके एंड इसके बाद जहाँ पर जितना येलो है उतना येलो मैं करूँगा। तो यार फाइनली मैंने लगभग सब कुछ कर दिया। एंड इसके बाद जो मतलब यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो मैं उसे यहाँ से क्लिक करके इनेबल कर देता हूँ। ओके तो फटाफट से मैं इसे इनेबल कर देता हूँ। एंड ये देखिए काफ़ी गजब कैरेक्टर लग रहा है। एंड अभी कुछ बाकी है तो आप लोग को क्या बाकी है मैं भी आप लोग को बता देता हूँ। तो यार अभी मैं कुछ यहाँ पर लिखने वाला हूँ, तो क्या लिखता हूँ आप लोग को मैं भी दिखा देता हूँ। तो फाली यार मैंने अपने कैरेक्टर का डिजाइन ये देखिए आरजी लिख दिया है, जो कि रवि गेमर का लोगो बन गया है यार, जो कि देखने में काफ़ी गजब का लग रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग कैसा लग रहा है। एंड इसकी बाल वगैरह मैं भी ब्लैक ब्लैक सब कुछ कर देता हूँ। एंड इसे सब कुछ करने के बाद कैसे सेव करना है, क्या करना है, इधर मैं डिजाइन दे देता हूँ, तो आप लोग को बताता हूँ कैसे क्या करना है यार। तो मैं इसका बाल ब्लैक कर चुका हूँ सब कुछ। एंड इसकी आई वगैरह भी थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ। इसके बाद आप लोग देख सकते हो क्या गजब का अपना कैरेक्टर लग रहा है यार। एंड इसके बाद इसकी माउथ जो है थोड़ा अलग कलर में कर देता हूँ यहाँ से, तो ये कलर कर देता हूँ जो कि ओ भाई अब लग रहा है भाई एकदम खतरनाक लग रहा है यार। आप लोग देख ही सकते हो यार, गजब यार, नंबर एक का बंदा ये लग रहा है। तो आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो यार। ओके एंड इसे सेव करने के लिए आपको इस आइकन पर क्लिक करके सेव टू गैलरी में कर लेना है, ऐड आ गया कट कर देना है। इसके बाद ये सेव इच सेव मतलब हो गया है भाई आपका गैलरी में सेव, तो आप लोग ऐसे ही बना सकते हो। तो यार खाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसे कैसे अपने इस सिटी में लाना है, जो कि माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में कैसे लाना है, कैसे ऐड कर सकते हो न्यू कैरेक्टर। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।